सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू अभिषेक डोगरा। सो आज के इस वीडियो में हम सेंट्रो का सेंटर कंसोल जो है उसको ओपन करेंगे आज हम। और इसको ओपन करने का एक एक प्रोसीजर मैं आपको सबको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, सारा क्लिप बताऊंगा कैसे आप इसको खोल सकते हैं। काफ़ी ईजी है, कई लोग सोचते हैं पूरा डैशबोर्ड इसको खोलना पड़ता है इसके लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइज। आपको सिंपली से कुछ दो तीन स्क्रू होते हैं और दो तीन क्लिप होते हैं, वो आपको रिमूव करने होते हैं और ईजिली आपका ये पूरा सेंटर कंसोल जो है बाहर आ जाता है। सो बने रहिए वीडियो में, आपको मैं एक एक करके इसके स्टेप बताता हूँ किस तरह से इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तीन चीज़ें हटानी है। यहाँ पे पहली चीज़ मैंने हटा दी है, कुछ इस तरह से लगी होती थी। आपको अपना पेचकस लेना है और इसके नीचे से डाल के कुछ इस तरह से इसको खींच लेना है और वो इजीली बाहर आ जाएगा। क्लिप होते हैं इसके अंदर जो कि इजीली बाहर आ जाते हैं और टूटते नहीं है, ब्रेक नहीं होते थे आसानी से। कई लोग डर जाते हैं कि ब्रेक ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर आपने याला निकालना है, फिर आपको याला निकालना है। सो ईजिली ये तीन निकल जाएंगे। उसके बाद इसमें स्क्रू आएंगे, वो मैं बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ पर इसके स्क्रू लगे हुए होते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर तीन स्क्रू होंगे। पहला स्क्रू आपका ये रहा, मैंने जो अनस्क्रू कर लिया। दूसरा आपका ये यहाँ पर होगा और तीसरा स्क्रू आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर कोई स्क्रू नहीं होगा आपका। ये वाला स्क्रू आपका कैसे निकलेगा, सो यहाँ का जो स्क्रू है वो निकालने के लिए आपको यहाँ पर पहले एस्ट्रे निकालनी पड़ेगी। इसके ऊपर वाला क्लिप दबा के सिंपली बाहर करना है और यहाँ पर आपका ये वाला स्क्रू दिख जाएगा। सो तीन स्क्रू आपको अनस्क्रू करने हैं। सो स्क्रू खोलने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है इनके जो कंट्रोलर के जो जहाँ पे इनकी वायरिंग होती है, आप वायरिंग नहीं होती, इनके अंदर एक तार लगी होती है, इसको खींच के निकालना पड़ता है। वो कहाँ पर होती है, कौन कौन जगह में, तीन यहाँ पे होते हैं, 1 2 3, इन तीनों के होते हैं, तीनों के अलग अलग जगह पर होती है। सो मैं आपको पहले वाले की दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कंट्रोल के माउंट होंगे। पहला वाला हमारा ये है, पास से जाके दिखाता हूँ। पहला वाला हमारा इस साइड है, ये हमारा पहला वाला जो कि मैंने निकाल दिया है। ये दूसरा वाला मैं बताता हूँ कैसे निकालना। आपको यहाँ पे क्लिप हो गई है, पहले यहाँ से इसको डीअटैच करना है। कुछ इस तरह से यहाँ से डीअटैच हो गया। अब यहाँ पे आपको क्लिप से सिंपली आपको दबाना है और ये आपको बाहर आ जाएगा। कुछ इस तरह से, और जो आपका एक होता है वो इस तरफ होता है, ये इस साइड मैंने डिटैच कर दिया पहले से ये। सो एक होता है आपके सारे लेफ्ट साइड में और दो होते हैं आपके राइट साइड की बिल्कुल क्लच प्लेट के ऊपर, सॉरी क्लच वाले के ऊपर होते हैं। सो सारे कंट्रोल के क्लिप्स हटाने के बाद या फिर फाइनली आपको क्या करना है, यहाँ से इसको पुल करना है, इस साइड से खींचना है और आपको इस साइड से खींचना है और आपका इजीली ये बाहर आ जाएगा। मैं अभी एक हाथ से नहीं कर सकता, दोनों हाथ से आपको एक हाथ यहाँ पे लगा के और एक हाथ यहाँ पे लगा के ताकि इसके लॉक ना टूटे, उस हिसाब से आपको इसको बाहर खींचना है और ये इजीली बाहर आ जाएगा। सो गाइस, फाइनली अपनी गाड़ी का जो स्टीरियो है वो बाहर आ चुका है। हेड यूनिट जिसको आप कह सकते हो, इसके जो हेड यूनिट है जिसके अंदर आपके एसी कंट्रोल वगैरह और यहाँ पे सीक्रेट लाइटर पोर्ट भी जो है इसके साथ अटैच होता है, सारा बाहर आ चुका है। इससे बाहर इसको नहीं खींच रहे हम, क्यों नहीं खींच रहे, क्योंकि इसके अंदर जो है वायरिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रखी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा वायरिंग कटिंग हो रखी है इसके अंदर। सो अभी लाइट तो आपको इतना नहीं दिख रहा होगा, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा होगा, बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा वायर कटिंग है और टेप से लगा रखी है, तो मैं नहीं छेड़ना चाहता कि इसका स्टीरियो अगर बंद हो गया फिर वो जाके वहाँ पे चेक करवाना पड़ेगा। सो मैं आपको एक रफली आइडिया मैंने आपने दे दिया कि आपको किस तरह से अगर आपको खुद निकालना हो या फिर आपका स्टीरियो काम नहीं कर रहा हो या फिर आपके ये बटन में कुछ दिक्कत आया तो आपको कहाँ से चेक करना है, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो सेटल में, बाय। सो गाइस, कैसी लगी आपको सेंटर कंसोल वाली वीडियो, कमेंट करके बताना मेरे को। और आपको कोई और नई वीडियो चाहिए इस टॉपिक सेंटर के ऊपर तो आप मुझे उसमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ के ऊपर सेंटर की वीडियो चाहिए, वो मैं जरूर बनाने की उसकी कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो से, बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।